उस बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लाखों करोड़ों दुरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये तो जनाब इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने वीडियो बनाई है कोई एक दो दिन पहले ना ऊबर के अकाउंट्स के बारे में कि नहीं हो अकाउंट ओपन नहीं हो रहे, तो उसमें समझें कि एक अच्छी न्यूज़ ही आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। तो न्यूज़ कौन सी आई है जी? वो जो डिटेल सारी मेरे पास आई थी ना, वो एक कंपनी थी जिसकी डिटेल थी, जिसकी तरफ से ये वो कंपनी ने की थी, वो मतलब उनको ना डॉक्यूमेंट ड्राइवर्स के कंपनी भेज रही थी अपने सिस्टम से, तो उन्होंने उस कंपनी को आगे वो डिटेल भेजी थी कि जो है ना आपके ड्राइवर जो ऑलरेडी हमारे साथ पहले चल रहे हैं वो अच्छा चल रहे हैं, हम उनसे खुश हैं, मामला ठीक है, बाकी अभी हम टेम्परेरी आपको मतलब नए अकाउंट्स आपके ज़्यादा नहीं ओपन कर सकते। अभी आज जो रात को ही मुझे एक दोस्त है उन्होंने व्हाट्सएप पे डिटेल भेजी है एक और कंपनी की, तो उन्होंने कहा है जी हमारी कंपनी के पांच अकाउंट उन्होंने बताया कि कल ही प्रूव हुए हैं ऊबर के, पांच नए ड्राइवर थे, चार या पांच उन्होंने कहा, तो उनके अप्रूव हो गई हैं डॉक्यूमेंट सारी, उनकी डिवाइसेस ऑनलाइन सुबह हो जाएंगी, मतलब कि अभी भी हम करें जब वो अप्रूव हो जाती हैं डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं तो समझें कि फिर वो अकाउंट चल गया। तो उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट भी भेजा है कि डॉक्यूमेंट अप्रूव हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जो मामला बना था वो सिर्फ उस कंपनी के साथ बना था, सारी टोटल कंपनी या टोटल कंपनीज के ड्राइवर के साथ वो नहीं किया ऊबर ने, जो भी इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तो मामला ऊबर का और उस कंपनी का है, पता नहीं इसमें क्या इशू बना है या क्या मामला हुए हैं, लेकिन ये है कि वो डिटेल सारी मैंने खुद देखी थी, आपको मैंने मैसेजेस भी दिखाए थे वो ऊबर की तरफ से आए हुए थे। तो एक ये अच्छी न्यूज़ इसमें ये आई है सामने आज कि ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी है जिसकी डिटेल मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, वो भाई जिस कंपनी में वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने मुझे वो डिटेल भेजी है कि हमारी कंपनी में ये अकाउंट नए चले हैं, कल की बात है ये, अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, आज दिन में मैं ये अपलोड करूँगा, तो समझ लें कि इससे पिछले दिन की, आज कितनी तारीख है, अभी 3 तारीख होगी मेरे ख्याल से, अभी आज 2 तारीख है फ्राइडे, तो कल 1 तारीख की ये उन्होंने बात मुझे बताई है कि अकाउंट ओपन, 4-5 अकाउंट हमारी कंपनी के नए ड्राइवर्स के अप्लाई किए थे तो वो अप्रूव हो गए हैं। तो ये एक तो या शायद ये भी हो सकता है क्योंकि ये पिछले 3 दिन से काम में भी फ़र्क है, एक चीज़ हाँ इसमें ये चीज़ ज़रूर आ सकती है कि पिछले 3 दिन से ये इधर ना लगा हुआ था ट्रेड सेंटर पर मेडिकल का एग्जीबिशन, तो उसकी वजह से काम में फ़र्क है पिछले 3 दिन से, आज चौथा दिन था, चार दिन के लिए था वो, मे बी कि शायद इसकी वजह से वो देखा है ऊबर ने कि ड्राइवर्स बिजी हैं तो दोबारा उन्होंने ओपन कर दिया, ये भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने कोई पक्की बात नहीं बताई थी कि कब तक हम ये ब्रेक लगा रहे हैं, टेम्परेरी उन्होंने लिखा था, क्योंकि अगर कंपनी के जो मामला होते हैं ना कंपनी का, तो जब डॉक्यूमेंट बन रहे हैं ड्राइवर्स के, ऊबर को तो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जब डॉक्यूमेंट्स बन के प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं ऊबर को, तो फिर ऊबर को कंपनी के साथ इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यह है कि वो भी हकीकत और सच्चाई थी, वो डिटेल सारी मैंने खुद पढ़ी थी जितनी भी है, वो जो मैसेजेस आए थे और वो कंपनी को आए थे, वो मैंने बाद में दोबारा डिटेल चेक किया सारी, वो एक ड्राइवर ने अप्लाई नहीं किया था, वो कंपनी ने अपने ड्राइवर्स के डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे, तो उन्होंने कंपनीज को आगे वो मैसेज भेजे थे, मे बी कि इस काम की रनिंग की वजह से दोबारा जो उन्होंने ड्राइवर्स ने अप्लाई किया है तो उन्होंने अप्रूव कर लिया है, ये एक मेरी सोच है, इसमें कुछ और चेंजिंग भी हो सकती है, कंपनी का भी कोई इशू हो सकता है आरटीए रिलेटेड या ऐसा कोई मामला कुछ भी हो सकता है, उस पर मतलब बात नहीं कर सकते कि क्या वजह है, लेकिन ये है कि ये एक हकीकत है कि कल की बात जो भाई ने मुझे वो भेजी है स्क्रीन शॉट भी कि ये बकौल उनके कि ये अप्रूव हुए हैं कल 4 से 5 अकाउंट, उन्होंने कहा वो भी उसी कंपनी में, तो उन्होंने कहा कि हमें मतलब कंपनी से हमने पूछा है तो कंपनी ने हमें डिटेल ये बताई है कि पहले का तो पता नहीं, लेकिन यह कि आज हमने अप्लाई किए हैं ड्राइवर्स और ये उनके अकाउंट्स अप्रूव हुए हैं आज, तो ये चीज़ एक सामने आई है, अच्छी न्यूज़ है ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अभी आगे वक्त ही बताएगा कि वो सिर्फ वो कंपनी के रिलेटेड मसला था या कि वो जैसे ही काम थोड़ा रनिंग में आया है तो उन्होंने वो 1-2-4 दिन में ही वो ब्रेक ख़त्म कर दी है टेम्परेरी वाली, या जो भी रीज़न है, जैसे ही आगे कोई अपडेट सामने आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी वो जो वीडियो बनाई थी
वो भी डिटेल सारी चेक करके बनाई थी, आपको दिखाए भी थे मैसेजेस वगैरह, तो वो ओबर की तरफ से ही आए थे, ठीक है। और ये भी एक वो तीन दिन पहले चार दिन पहले की डिटेल थी, ये कल की डिटेल है, ठीक है। और वक्त के साथ हमारा मकसद ही आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करना है। ये समझें कि मुझे आज रात को ही आया, तो मैंने अभी सुबह मैं पार्किंग में आ चुका हुआ हूँ, तो मैंने कहा पहले मैं ये वीडियो बना के आज ही अपलोड करूँगा, बाकी वीडियोज़ बाद में, क्योंकि ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त परेशान है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर रहे हैं, कमेंट्स में भी, कि यार ये तो नया पंगा पड़ गया। तो है वो भी एक हकीकत थी, मैंने सारी डिटेल्स खुद चेक की थी, और ये भी एक हकीकत है। इसके पीछे वजह क्या है, कंपनी वाइज इशू है कोई, या कि काम की वजह से दोबारा उन्होंने कर दिया है उबर ने, कि चलें अभी थोड़ा तीन चार दिन से देख रहे हैं रनिंग में है तो अभी अप्रूव कर दें, ये सारा मामला ये वही जाने उबर वाले क्या वजह है इसके पीछे, ठीक है। बाकी ये एक अच्छी न्यूज़ सामने आई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जैसे जैसे ही नई अपडेट्स आती रहेंगी इंशाल्लाह वो भी शेयर करते रहेंगे। मज़ीद मैं वो जो लड़के जिस उस दिन जिसने बताया था उनसे भी कांटेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह, अभी तो सोने का टाइम है, दिन में करूँगा, तो दोबारा जब काम पे निकले ना तो उनका नंबर ढूंढ के उनसे भी कांटेक्ट करके उन्हें कहता हूँ कि अभी दोबारा अप्लाई करें, हाँ फिर पता चल जाएगा कि वो अभी दोबारा उनके अप्रूव होते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये मामला कुछ सामने आएगा कि ये सिर्फ उस कंपनी का इशू चल रहा है या कि सभी के दोबारा इन्होंने रनिंग में कर दिए हैं, ये चीज़ एक सामने आ जाएगी। तो देखते हैं जैसे ही इंशाल्लाह कोई नई अपडेट आती है इस बारे में, मैं करता हूँ ट्राई लेता हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें सामने आ गई हैं, चार पाँच दिन पहले कुछ और थी, अभी कल की कुछ और आ गई है, तो इसकी वजह ढूंढते हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो मेन रीज़न है ना वो आप लोगों के सामने लेके आए हम, तो जैसे इंशाल्लाह अपडेट आती है इस बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ है, आज रात को मिली है कि वो एक कंपनी के नहीं बने थे, उन्होंने कहा था इंतज़ार करें, ये एक दूसरी मुख्तलिफ कंपनी है, इसके कल चार पाँच ड्राइवर्स के अकाउंट बने हैं, ऑनलाइन ऊबर के एक्टिव हो गए हैं और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए हैं। तो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए हैं तो वो ऑनलाइन किसी वक्त भी हो सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। तो वो बता रहे थे कि सुबह ड्राइवर्स ने निकलना है ड्यूटी पर, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आगे देखते हैं किस तरह मामलात होते हैं, जैसे ही अपडेट आती है कोई इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह निगहबान।